क्या हमारी इंडियन फुटबॉल टीम क्वालिफाई कर पाएगी एशियन कप अंडर 20 के लिए? हाँ, आपको शायद ना पता हो, हमारी इंडियन फुटबॉल टीम अंडर 20 खेलने वाली है एशियन कप क्वालिफायर्स अंडर 20 में, जिनकी शुरुआत आज से होगी। आज है इंडिया का पहला मैच अगेंस्ट इराक अंडर 20 और ये मैच खेला जाएगा शाम को 4:30 बजे। मगर कहाँ टेलीकास्ट होगा और आगे के मैचेस किसके हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने फुटबॉल गीक को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, बिकॉज ये आपका ही प्लेटफॉर्म है और इंडियन फुटबॉल के लिए। और साथ ही साथ लाइक कर लीजिए इस वीडियो को एंड कमेंट्स में बताइए क्या ओपिनियन है आपका, इंडिया क्या क्वालिफाई कर पाएगी अंडर 20 एशियन कप के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला मैच, जैसे मैंने आपको बताया, 14th October, मतलब आज शाम को 4:30 बजे है। सेकेंड मैच है हमारा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो कि 16th October को है और वो खेला जाएगा 4:30 बजे। और फिर हमारा थर्ड मैच है ऑन 18th October अगेंस्ट कुवैत, एंड वो मैच खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे। तो ये तीन मैचेस हैं, क्योंकि ये तीन टीम्स हमारे ग्रुप में हैं और 14 टीम्स हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द एशियन कप अंडर 20, और दो टीम्स और करेंगी, टोटल 16 टीम्स खेलेंगी एशियन कप अंडर 20 में। और दो स्पॉट मतलब बचे हैं, तो इंडिया को यहाँ पर कम से कम अपने दो मैच जीतने हैं। और इन मैचेस का टेलीकास्ट होगा, जहाँ तक है, यूट्यूब एंड फेसबुक पर आपके इंडियन फुटबॉल के। और वैसे मुझे नहीं पता है, अगर मेरे पास कोई लिंक होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया है मैंने अपना, उस पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम लोग सारे लिंक शेयर करते हैं लाइव मैचेस के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दो मैचेस कम से कम जीतने पड़ेंगे। इराक एंड ऑस्ट्रेलिया आर टफ टीम्स। कुवैत को हम लोग हरा लेंगे, मेरे को उम्मीद है हमको हराना चाहिए। मगर शुरुआत के दोनों मैचेस दोनों टफ टीम्स के अगेंस्ट, इराक एंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि रेगुलर है एशियन कप में, तो इंडिया के ऊपर यहाँ पर प्रेशर बहुत रहेगा इन मैचेस को जीतने का। मैं दो मैचेस इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज 14 टीम्स जो क्वालिफाई कर गई हैं, उसके बाद जो दो टीम्स के स्पॉट बचे हैं, दो टीम्स के वो जो स्पॉट बचे हैं, उसके दो तरीके हैं क्वालिफाई करने के। इंडिया या तो अपना ग्रुप टॉप करे, मतलब 9 पॉइंट्स जीत ले, सारे मैचेस जीत ले, वो एक तरीका है कि डायरेक्ट हम क्वालिफाई कर जाएंगे। और दूसरा तरीका है कि हम सेकेंड पर फिनिश करें और हम कम से कम 6 पॉइंट्स, मतलब दो मैच के जीत के साथ एंड 4 गोल के डिफरेंस के साथ हम लोगों को सेकेंड स्पॉट पर फिनिश करना पड़ेगा अगर हमको एशियन कप अंडर 20 में खेलना है। इसका कारण है क्योंकि टॉप टीम्स ऑफ एवरी ग्रुप क्वालिफाइज, मतलब जो टॉप टीम है सारे ग्रुप की वो क्वालिफाई करेंगी, और 5 सेकेंड बेस्ट प्लेस टीम क्वालिफाई करेंगी, जिसमें से 4 सेकेंड बेस्ट प्लेस टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं। एंड 5वीं पोजीशन पर अभी थाईलैंड है, जिनके 6 पॉइंट्स हैं, मतलब उन्होंने 2 मैच जीते हैं और उनके 3 गोल डिफरेंस है। तो इंडिया को उनसे ज़्यादा गोल डिफरेंस लाने पड़ेंगे, और इंडिया को या तो इंडिया 2 मैच और 1 ड्रॉ खेल ले तो 7 पॉइंट्स हो जाएंगे, या तो इंडिया 2 मैच जीत ले और 1 हार जाए, मगर 4 गोल के डिफरेंस का यहाँ पर रखे वो 2 मैचेस के जीतने के बाद एंड 1 हारने के बाद। तो ये एक तरीके हैं, ये दो तरीके हैं जो इंडिया क्वालिफाई कर सकती है। टफ है इंडिया के लिए क्वालिफाई करना, मैं क्या कहूँगा, बिकॉज दोनों मैचेस बहुत इराक और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं। कुवैत के अगेंस्ट मैं उम्मीद कर रहा हूँ हम लोग अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। कुछ प्लेयर्स मैं बोलूँगा जिन पर नज़र रहेगी और जिनसे उम्मीद रहेगी। एक है हमारे विकास यमुना, डिफेंस में ऑब्वियसली फ्यूचर ब्राइट है, अच्छे प्लेयर हैं। और साथ ही साथ उनके, अगर हम मिडफील्ड में आए तो विभिन जो करके प्लेयर हैं वो मैं देखना चाहूँगा उनको, क्योंकि विभिन ने अच्छा खेला था सैफ कप, अगर आपको अंडर 20 याद हो कुछ दिन पहले, तो विभिन यहाँ पर एक है। और फिर अगर हम बात करें स्ट्राइकर्स में, तो हिमांशु जांगरा, जिन्होंने अभी ईस्ट बंगाल के लिए साइन करा है, और गुरकीरत सिंह, जिन्होंने मुंबई सिटी के लिए खेलते हैं, और सैफ कप में गुरकीरत ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी थी। तो इन चारों के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रहेगी एंड उम्मीद रहेगी कि ये प्लेयर्स इंडिया को यहाँ पर, ये जो टफ ग्रुप है और टफ सिचुएशन है यहाँ पर अब क्वालिफाई करने की, वो यहाँ पर इंडिया को जिताएं एंड अच्छे मार्जिन से जिताएं, जिससे हम क्वालिफाई कर पाए एशियन कप अंडर 20 के लिए। और मेरे हिसाब से तो भाई प्रेशर तो बहुत होगा इंडिया पर, मगर वी शुड गिव आर बेस्ट एंड वी शुड ट्राई टू क्वालिफाई, बिकॉज एशियन कप में हम लोगों को रेगुलर होना पड़ेगा, बी एट अंडर 17, बी एट अंडर 20, बी एट अंडर 23 और बी एट दी सीनियर टीम।
हमको रेगुलर एशियन कप क्वालिफाई करना चाहिए। अंडर 17 टीम की आपने रिसेंटली परफॉर्मेंस देखी होगी, शानदार परफॉर्म किया हमारे यंग ब्लू टाइगर्स ने और वहाँ पर कुवैत को हराया, और साथ ही साथ आपके सऊदी के अगेंस्ट इतना अच्छा मैच खेला था उन्होंने और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी वहाँ पर इंडिया ने जीतने के लिए, एशियन कप क्वालिफाई करने के लिए। तो वही मैं उम्मीद करूंगा कि वैसा ही मोमेंटम, वैसी ही परफॉर्मेंस, वैसी ही ईगरनेस जीतने की हमारे इंडियन ब्लू टाइगर्स यहां पर रखें इन तीनों मैचेस में। अगर रखेंगे एंड अगर कोशिश करेंगे तो शायद हमारे पास चांस है, मे बी हम लोग क्वालिफाई कर जाएं अगर हमारे दिन हुए, और वेंकटेश सर यहां पर लीड कर रहे हैं टीम को। तो ये थी सारी डिटेल्स इन मैचेस की, एंड बाकी आपको प्रिडिक्शन वगैरह तो अभी नहीं मिल पाएगा बिकॉज उतना टाइम नहीं है, मगर मैं ये बोलना चाहूँगा कि पोस्ट मैच मैं कुछ लेकर आऊँगा लाइव या फिर आपके लिए नॉर्मल वीडियो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैचेस हैं तीनों एंड इसमें हम लोग की क्वालिटी देखने को मिलेगी। सैफ कप में तो हम लोग जीत गए मगर यहाँ पर असली टेस्ट है हमारी इंडियन फुटबॉल टीम का। तो क्या लगता है आपको, क्या हमारी इंडियन फुटबॉल टीम क्वालिफाई कर पाएगी एशियन कप अंडर 20 के लिए? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अपना ओपिनियन, और किस प्लेयर पर आप बैट लगा रहे हैं अपनी कि हाँ ये प्लेयर हमको जिता सकता है एंड हमारे लिए गोल स्कोर कर सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक फुटबॉल गीक को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो कर लीजिए बिकॉज ये आपका ही स्टेडियम है फॉर इंडियन फुटबॉल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सपोर्ट करिए भाई, इतना अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं एंड ऐसी कोशिश करते रहेंगे। एक इंडियन फुटबॉल की स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनानी है हमको जिससे हमारी इंडियन फुटबॉल आगे बढ़ सके। तो यही है मेरी आपसे एक आशा, एक उम्मीद। सो थैंक यू सो मच एंड मैं आपके साथ जल्दी यहाँ पर वापस आऊँगा, तब तक घर पर रहिए और फुटबॉल गीक देखते रहिए।